बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोटिवेशनल एंड व्लॉग्स चैनल में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपको दोस्त अहमद रिजवान समरा। आज की इस वीडियो में कपास की फसल के बारे में हम बताएंगे, कपास की फसल को कौन सी बीमारियां लगती हैं और उनकी इकसाम कितनी होती हैं। कपास की फसल को कीड़े लगते हैं, लेकिन कपास की फसल को जो कीड़े लगते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक माहौल दोस्त होता है और एक नुकसानदेह कीड़ा होता है। तो इस वीडियो में हम कपास को लगने वाले कीड़ों, उनकी देखभाल, उनकी पहचान के बारे में हम आपको बताएंगे और कपास को जो स्प्रे होती है जो उनका सही इलाज है वो बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। तो जी दोस्तों, कपास को जो थ्रिप्स की बीमारी होती है उसके लिए ये मयस्सर इलाज है। डेढ़ एकड़ के लिए ये है जहर, इसका नाम आप खुद ही पढ़ लें। दोस्तों ये स्प्रे का नाम विंडेक्स, ये सब्ज तेला सफ़ेद मक्खी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मयसर है। और ये पैक एक एकड़ के लिए है। तो दोस्तों ये है हमारी कपास की फसल, मेरी अपनी। आज इसकी पहचान करेंगे किसको कितनी किस्म की बीमारियां लग चुकी हैं और कुछ दिनों बाद कौन सी बीमारियां लगेंगी और उनका इलाज क्या होगा। अब जो स्प्रे है वो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ। ये जो सब्ज तेला और ये थ्रिप्स, दो किस्म की बीमारियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इसका नाम है थ्रिप्स, ये स्प्रे की हुई है तो इस वजह से मैं हाथ नहीं लगा रहा। इसका नाम है जी थ्रिप्स, ये जो पत्ता मुड़ा हुआ है ना, ये वाला, इसका नाम है थ्रिप्स। और इसके और लश्करी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं लगी। और जी सब्ज तेला जी, ये है सब्ज तेला कलर का। दोस्तों इसका नाम है दोस्त कीड़ा, ये कपास की फसल को बीमारी लगने से बचाता है। दोस्तों कपास की फसल को तकरीबन 10 दिन बाद स्प्रे कराना लाजमी होता है, क्योंकि इसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लगती रहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि 10 दिन बाद लाजमी स्प्रे कराएं। जी दोस्तों, जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो इन पत्तों की वजह से होता है। अगर पत्ते ठीक होंगे तो फोटोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट होगा, उसे खुराक मिलेगी पौधे को, पौधे की नशोनुमा अच्छी होगी तो उसका फल भी अच्छा होगा। पौधे के फल को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके पत्ते ठीक हों। बिल्कुल जी देख सकते हैं, इसके पत्ते ठीक हैं तो इसका फल भी शुरू से आखिर तक है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर करना ना भूलें।